एमआईएम मध्य विधानसभा से इच्छुक उम्मीदवार का फॉर्म भरा है और क्या तैयारियां चल रही है आगे? मैं पार्टी से 3 तारीख को लास्ट डेट थी और मध्य विधानसभा से मैंने मेरा फॉर्म भरा हूँ और इंशाल्लाह वेट एंड वॉच है। टिकट तो मिलने के मुझे चांसेस है, अभी देखना है। और विकास के मुद्दों को लेकर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। क्या आप मानते हैं शहर में राजनीतिक दल के जितने भी लोग प्रतिनिधि है उनके कारण शहर की जनता को तकलीफ झेलना पड़ रही है? नहीं, उसके बारे में मैं इंशाल्लाह टिकट मिले बाद तबसेरा करूंगा। अभी शहर में और सोशल मीडिया पर चर्चा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में एमआईएम से बाबा बिरला का नाम घोषित कर दिया जाएगा, क्या कहना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं भी सुन रहा हूँ, पब्लिक के से रुझान है कि भाई बाबा बिल्डर तुमको 90% टिकट मिल जाएगा। इंशाल्लाह पार्टी हाईकमान का क्या फैसला आता है उस पर हम लब्बैक कहेंगे। एमआईएम से क्यों, राष्ट्रवादी कांग्रेस? नहीं, मैं एमआईएम से तकरीबन 10 साल से जुड़ा हूँ और इंशाल्लाह उससे उनसे अपेक्षा लगा के बैठा हूँ कि मुझे वो टिकट देंगे। मध्य से पार्टी के मजबूत कार्यकर्ताओं ने भी दावा किया है, तो आपको लगता है उनको नजरअंदाज करके आपको टिकट दे रहे हैं? नहीं, वो तो हाईकमान का फैसला है, जिसको भी टिकट मिलेगा इंशाल्लाह हम उसका काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे टिकट मिलना, मैं ये हूँ, वैसा नहीं। पार्टी जिसको भी टिकट करती है उसके लिए हम अब लब्बैक कहेंगे। सर साहब से या जलील साहब से टिकट को लेकर कोई संकेत मिला है? नहीं, जलील साहब से मैं मुलाकात करूंगा, अभी तो 3 तारीख को मैंने फॉर्म भरा हूँ और इंशाल्लाह मैं आगे मुलाकात करूंगा। मेरे जो दिल की बात है उनके सामने कहूंगा, अब उनका जो फैसला है उसको मानना पड़ेगा मुझे। इस बार मध्य से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे भी मुस्लिम उम्मीदवार देने की चर्चा है, क्या इससे आप पर या आपकी पार्टी कुछ नहीं, एमआईएम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एमआईएम का एक वोट बैंक है और एमआईएम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी सीधी टक्कर किससे होगी? अब वो वैसा तो मैं बता नहीं सकता सीधी टक्कर किससे होंगी, वो तो माहौल जैसा रहेगा वो हिसाब से बनेगा। ब्लूप्रिंट क्या निकाला मध्य से, क्या विकास क्या करना विकास क्या है, क्या मसले क्या है मध्य मध्य के विकास बोले तो अभी तक तो हमने कुछ नहीं रहते हुए, हमारे खासदार जलील साहब थे, उन्होंने विकास बहुत किए और हमने कुछ नहीं रहते हुए लोगों के मसले मसाइल जो भी थे जितने हो सके उतने हमारे तरफ से हमने सॉल्व किए। और ऐसा नहीं है कि भाई हम आमदार बने तो कुछ मसले सॉल्व करेंगे, वैसे भी हम आमदार से ज्यादा काम करते, वो लोगों को सबको मालूम है हम क्या करते। तो आपने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि मैं मध्य से या पूर्व से कैसे भी टिकट मिले मैं लड़ने को तैयार हूँ, नहीं मैं तो मध्य आपकी इच्छा कहाँ से? मध्य से मैं दावेदारी हूँ, मध्य से मैं इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह। मध्य से तो इंटरनेट का भी नाम सुनने में आ रहा है कि वो मध्य से लड़ेंगे, तो इम्तियाज जलील साहब के लिए लब्बैक है हमारा। इम्तियाज जलील साहब को टिकट मिलता है तो वो तो हम आज से काम चालू कर देते हैं, उनके लिए तो लब्बैक है हमारा, क्योंकि वो हमारे नेता है, हमारे कायद है, जो भी है। अगर पूर्व से देते हैं आपको तो पूर्व से आप लड़ेंगे? नहीं, पूर्व से मेरी कोई इच्छा नहीं है। नहीं, थैंक यू। चलिए। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।